लाइफ में ही है। मेरी शक्ल तो बहुत अच्छी है पर आईफोन में ही गड़बड़ है, इसके कैमरों में ही गड़बड़ है। अभी लेटेस्ट आईफोन 30 आया ना, वही मांग लेती हूँ मम्मी से अब की बार ये दीपावली पर। फिर मेरी वीडियो भी बहुत अच्छी बना करेंगी और मेरे फॉलोवर्स भी बहुत जल्दी बढ़ेंगे। कितनी अच्छी बात है ना। अभी घर जाके मम्मी से मांगती हूँ आईफोन 30। अभी जाती हूँ। उल्ली मारी क्यूसी मम्मा, क्या कर रही है मेरी प्यारी प्यारी मम्मा, क्या कर रही हो आप? अरे बेटा मैं भजन कीर्तन कर रही हूँ। हाँ तू भी कर ले। क्या हुआ जल्दी बता, ये चिकनी चुपड़ी बात मेरे सामने तो कर मत। तू तुझे कुछ चाहिए होता है ना तभी आती है मेरे पास, अब जल्दी बोल क्या काम है। अरे मेरी प्यारी सी मम्मा आप तो नाराज हो गई। अरे बेटा नाराज नहीं हो रही मैं, मस्का मत लगा मेरे को, जल्दी बता। वो क्या है ना मम्मा, आपकी दीपावली पे ना मुझको आईफोन 13 चाहिए। आईफोन 13 चाहिए बट मैं नहीं दिला रही। दिलाओ ना मम्मा। सब नहीं दिला रही, सबकी मम्मा दीपावली पर गिफ्ट देती हैं तो आप भी दे दो ना। चल ठीक है बेटा मैं तुझे आईफोन 30 प्रो दिलाऊंगी। ये ये मुझे मम्मा आईफोन 30 प्रो दिलाएंगी। ये लव यू मम्मा। लव यू टू बेटा। खुश है अब तू? हाँ मम्मा मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा। कोई बात नहीं दिला दूंगी, मेरी बेटी खुश है उसमें मेरी खुशी है। हैप्पी दीपावली मम्मा। हैप्पी दीपावली एंड सेम टू यू। चलो बेटा शाम को तुम्हारे डैड आएंगे ना तो मैं उनसे बोलूंगी तुम्हारे लिए आईफोन 13 प्रो दिलाएंगे, ठीक है? ओके मम्मा। ठीक है बेटा, बाय मम्मा। बाय बाय, मैं जाती हूँ। ओके बाय, टेक केयर बेटा। अरे बेटा तुम्हें पता है दीपावली आने वाली है? हाँ मम्मी मुझे पता है। बेटा तुम्हें पता है ना दीपावली कितना खुशियों का त्योहार होता है ना? हाँ मम्मी बहुत खुशियों का त्योहार होता है दीपावली, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं बूम। हाँ पर मम्मी देखो मेरे कपड़े कितने फटे हुए हैं और मैं दीपावली पर पटाखे भी नहीं चला पाता, अब की बार तुम मुझे कपड़े दिलाओगी ना? हाँ बेटा जब तुम्हारे पापा जिंदा थे तब तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आए, जब से वो चले गए इस कोरोना काल की वजह से तब से तो हमारी पूरी जिंदगी खराब हो गई, हम एक एक चीज के लिए कितना तरसते हैं बेटा। मम्मी ये कपड़े मेरे जब के हैं जब पापा जिंदा थे। हाँ बेटा ये उन्होंने ही दिलाए थे तुम्हें, पर क्या करे जब वो जिंदा थे तब तुम्हारे लिए बेटा कितने सारे खिलौने लेकर के आया करते थे, है ना? मम्मा मम्मा मुझे नए कपड़े दिलाओ, देखो कितने पट गए हैं, मेरे सारे दोस्तों के पास नए कपड़े हैं, वो मुझे चिढ़ाते हैं बोलते हैं तेरे पास देख कितने फटे कपड़े हैं और तू फटाके नहीं फोड़ता। ठीक है बेटा मैं तेरे लिए ना कहीं से भी लाऊंगी रुपए और कहीं से भी रुपए लाकर तेरे लिए नए कपड़े तो जरूर लेकर आऊंगी, तू चिंता मत करना, ठीक है? हाँ मम्मा मुझे तो नए कपड़े चाहिए तो चाहिए, देखो कितने गंदे हैं ये देखो। अब बेटा चिंता मत कर, ठीक है? मैं जाती हूँ काम पर और तेरे लिए लौटते वक्त देखना नए कपड़े लेकर ही आऊंगी, ठीक है बेटा? हाँ। अब तू खेलने चले जाना और मैं काम करने जाती हूँ। नहीं मम्मा मैं पढ़ाई करूँगा, छुट्टी है ना इसलिए सर ने मुझे बहुत होमवर्क दिया है। ठीक है बेटा पढ़ाई करके खेलने चले जाना, अब मैं चलती हूँ बेटा। सबको गिफ्ट देते हैं, कितने सारे गिफ्ट मिलते हैं ना।
इस दीपावली पे ना मेरी मम्मी मुझे नए कपड़े दिलाने वाली है। मेरा गिफ्ट नए कपड़े होगा, मैं नए नए कपड़े पहनूंगा। इसमें कौन सी नई बात है, नए कपड़े? नए कपड़े तो हम हर 4-6 दिन में खरीदते रहते हैं। हाँ, खरीदते रहते हैं अपन। हाँ, तो नए कपड़े। और हाँ गाइस, इस दीपावली से मुझे याद आया, मेरी मम्मा ने मुझको iPhone 30 Pro दिलाने वाली है। और गाइस, दिवाली से मुझे याद आया, इस बार की दिवाली पे ना मुझे BMW कार खरीदनी है। हाँ, मैंने भी शोरूम खरीदा है, उसका ग्रैंड सेलिब्रेशन करना है मुझको कल। चलो चलो, जल्दी चलते हैं सब अपने अपने घर। हाँ चलो चलो, अब भी BMW कार में जरूर घूमने आना ऋषिका एंड राकेश। ठीक है, तू भी आ जाना। हुर्रे हुर्रे हुर्रे। अरे नमस्ते मैम साहब जी। नमस्ते। अरे वो क्या है, दीपावली आने वाली है और मेरे बेटे को मैम साहब नए कपड़े दिलाना था, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थी। मैं आपको दीवाली के बाद लौटा दूंगी सारे पैसे। नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास बहुत खर्चा हो चुका है दीपावली में, बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है ना। अरे मैम साहब, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी आपकी। मुझे, मेरे पास नहीं है पैसे, मैंने बोल दिया मेरा बहुत सारा खर्चा हो चुका है। अरे मैम साहब, थोड़ी सी तो मदद कर दो, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। ले ये 10 रुपये, ले ले ये 10 रुपये, चल जाए यहाँ से, ले यहाँ से, मत दे घूर घूर के। अरे मेरा इन 10 रुपयों से क्या होगा, 10 रुपये में तो मेरे बेटे के कपड़े भी नहीं आ पाएंगे, कुछ भी नहीं आ पाएगा। एक काम करती हूँ, कहीं और काम मांग लेती हूँ, शायद मुझे कोई पैसे दे दे मेरे बेटे के लिए, इस दिवाली पर नए कपड़े खरीद पाऊँ। कहाँ जाऊँ? अरे अरे मेरे रुपए, अरे अरे मेरे रुपए, अरे मेरे रुपए तो इस गटर में गिर गए। बड़ी मुश्किल से 10 रुपये मिले थे, वो भी गिर गए मेरे। अरे भाई साहब, दीपावली पर कुछ काम मिलेगा, घर का कोई भी काम कर लूंगी। नहीं नहीं, कोई काम वाम नहीं है यहाँ पर। अरे दे दो, काम हो गए हमारे। अरे दे दो ना, मेरे बेटे को नए कपड़े दिलाना है इस दिन। अरे जब मना कर दिया ना, जाओ आगे, हो गए हमारे पूरे काम। ठीक है ना, जाओ कहीं और मांगना, निकलो अब यहाँ, क्यों खड़ी हो? हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया, क्यों हमारे पापा को छीन लिया आपने? मेरे सारे दोस्त कितने अमीर हैं, मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मम्मी भी अभी तक नहीं आई। अरे ये कपिल यहाँ पे अकेला बैठा बैठा क्यों रो रहा है? कि काम करती हूँ मैं, इससे पूछती हूँ क्यों रो रहा है ये। अरे कपिल, तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो तुम? अरे ऋषिका, मेरी मम्मी ना काम पर गई है और घर पे कोई नहीं है, मुझे बुरा लग रहा था इसलिए बैठा हूँ। और बताओ, वो मेरे लिए बहुत मेहनत करती हैं, वो मेरे लिए कपड़े लाएंगी। कोई बात नहीं कपिल, जब तक तुम्हारी मम्मी नहीं आ जाती ना, जब तक तुम मेरे घर पे चलो, चलो मेरे साथ, हम वहीं पे खेलेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा, तुम्हारी मम्मी गुस्सा होंगी। वो नहीं होंगी गुस्सा, चल तू मेरे साथ आ जा। ठीक है। मम्मी ये देखो, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम कपिल है, ये बाहर अकेला बैठा था ना, इसीलिए मैं इसको ले आई।
अच्छा किया बेटा तू जो इसे ले आई। हाँ मम्मा। बेटा एक मिनट रुकना, फोन आ रहा है। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम साहब। हाँ नमस्ते। वो क्या है मैम साहब, दिवाली आने वाली है और दिवाली पर वो मुझे मेरे बेटे कपिल को नए कपड़े दिलाना है, बहुत जिद कर रहा है। मैंने 50 घरों में काम मांग लिया, कहीं भी मुझे काम नहीं मिल रहा, कोई भी मुझे रुपए नहीं दे रहा, आप दे दो मैम साहब। अरे मैं तो तुम्हें अभी रुपए नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे मेरी बेटी के लिए आईफोन लेना है। अरे मैम साहब दे दो ना, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। उनके जाने के बाद मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है मैम साहब, आप भी एक सहारा हो, अब आपकी दे दो ना। अरे मैंने तुमसे बोला ना मैं अभी नहीं दे पाऊंगी, मैं तुमको बाद में देती हूँ। अच्छा ठीक है मैं फोन रखती हूँ। हाँ अरे बेटा मैं श्याम को तुम्हारे पापा से बोल दूंगी तुम्हारे लिए आईफोन 30 प्रो लेकर आएंगे, ठीक है? नहीं मम्मी मुझे आईफोन नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे दोस्त के लिए कपड़े दिला दो, वही काफी है। दीपावली का इससे बड़ा गिफ्ट कोई सा नहीं होगा। तुम मेरे दोस्त के लिए अच्छे से कपड़े दिला दो, उसकी माँ कितने घरों में काम मांग चुकी है और मैं यहाँ घर बैठे बैठे इतने महंगी महंगी चीजें लेती रहती हूँ। उससे पूछो, उसकी माँ से पूछो, वो कैसे कपड़े पहनती हैं और कितनी मेहनत करती हैं। जब कपड़े नसीब होते हैं और हम फालतू में पैसे लुटाते रहते हैं। मेरे लिए भाई फोन अच्छा है, आप तो बस इसके लिए कपड़े दे दो माँ, मुझे इससे बड़ा गिफ्ट कोई सा नहीं होगा दीपावली पर। ठीक है बेटा मैं इसे कपड़े दिला दूंगी तेरी खुशी के लिए, क्योंकि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ठीक है बेटा। ठीक है कपिल, अब तू ना उदास मत हो, तेरे लिए कपड़े मेरी मम्मा दिला देंगी, और तेरी मम्मा से बोल देना कि वो कहीं भी काम ना करें। हाँ बेटा मैं तुमको कपड़े दिला दूंगी, ठीक है? अब से आप उदास मत होना, ठीक है? अब से ना मम्मा हर बार आप इसको कपड़े दिलाया करो। हाँ बेटा मैं हर बार इसको कपड़े दिलाऊंगी। मम्मा आप कितनी अच्छी हो। बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा जो तू सबके बारे में सोचती है, क्योंकि दूसरों की खुशियों में तू अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती है बेटा। हाँ मम्मा देखो ये कितना खुश है, इसको नए कपड़े देंगे हम। हाँ बेटा। मम्मा आप जाओ, आप ना नए कपड़े लेके आओ इसके लिए। अच्छा मैं नए कपड़े लाती हूँ। ये लो कपिल बेटा मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ, ये कुछ मिठाइयाँ, ठीक है? और तुम अपनी मम्मा को भी देना और तुम भी अच्छे से खाना और अपना ख्याल रखना, ठीक है बेटा? आज से चिंता करने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है? ठीक है। ओके बाय कपिल, हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली ऋषि का। हाँ चलो तुम मम्मा को दिखाना अपनी को, और मम्मा भी तुम्हारी बहुत खुश होंगी, और अपनी मम्मा को भी मिठाइयाँ देना, ठीक है? ठीक है बेटा। बाय ऋषि का। बाय कपिल। अच्छे से जाना बेटा, ठीक है? ठीक है।